नमस्ते दोस्तों, मैं राज बात कर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है द बटरफ्लाई योग। तो दोस्तों आज हम देखेंगे पादहस्तासना। जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि आपका जो पोस्चर है यहां से यहां तक किस तरीके से आप प्रोग्रेस कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि ये जो आसन है आपके लिए किस तरीके से हम आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों जहां पे हम जो पहला पॉइंट है वो क्या है, तो देखिए, तो इसमें हमें क्या करना है कि जब हम फॉरवर्ड बेंड होते हैं तो हमें पहले पॉइंट ध्यान में रखना है, याद रखना है, वो है ब्रीदिंग का। हमें क्या करना है, ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। जब हम एक्सेल करते हैं तो हमें फॉरवर्ड बेंड होना है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम ट्विस्ट करते हैं तो हमें एक्सेल करना पड़ता है, तभी हम ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट होते हैं। जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो हमें एक्सेल करना होता है। अगर आप एक्सेल नहीं करोगे, ब्रेथ को होल्ड करोगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड बेंड नहीं हो पाओगे। तो आपका जो आसन है इसी तरीके से बार बार होता रहेगा। तो दोस्तों इस आसन में कैसे करना है, तो देखिए मैं एक बार आपको जो फाइनल आसन किस तरीके से होता है उसकी एक डिटेल बताता हूं, किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और या फिर इसमें दो तरीके से होते हैं। एक पहला तरीका मैं आपको बता दूं, ये वाला पहला तरीका मैं बता रहा हूं। इसमें हमें पाम्स को अपने पैरों के तलों के नीचे रखना है और धीरे से नीचे जाना है, धीरे से छोड़ना है और वापस आना है। जो दूसरा तरीका है, दोनों से दोनों में क्या है, दोनों तरीके से अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस है। जिसमें हम दूसरे तरीके में हाथ ऊपर लेते हैं, पहले तरीके में बस हम डायरेक्टली नीचे जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें पैरों में अंतर रखना है, हिप विड्थ डिस्टेंस रखना है, शोल्डर विड्थ डिस्टेंस रखना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे और धीरे से नीचे जाएंगे और अपने पाम्स को फिट के नीचे रखेंगे, धीरे से हम वापस आएंगे। तो दोस्तों यहां पे हमने देखा कि किस तरीके से यह आसन किया जाता है। तो दोस्तों देखिए कि ब्रीदिंग का इसमें क्या महत्व है। तो जब हम एक्सेल करते हैं तब हम बोलते हैं, आपको पता भी होगा, जब हम एक्सेल करते हैं तभी हम बोल पाते हैं, इनहेल करते हुए हम बोल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों तो इसमें क्या करना है, हमें ब्रीदिंग का पैटर्न जैसे रखना है कि जब हम फॉरवर्ड बेंड हो रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक्सेल करते जाना है, ठीक है। जैसे कि यहां पे मैं सिंपल वे दिखा देता हूं आपको, इस तरीके से हमें एक्सेल करते हुए नीचे जाना, सांस भरनी है, इनहेल एक्सेल। ज्यादा से ज्यादा आप सांस छोड़ते हुए नीचे जा सकते हो। तो हमें हर वक्त ध्यान में रखना है कि जब हम फॉरवर्ड बेंड होते हैं तो हमें क्या करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। पॉइंट नंबर जो दो आता है वो है नीज का। तो नीज का क्या है इसमें सहभाग, तो आप देखिए कि जैसे हम फॉरवर्ड बेंड होते हैं तो हमें ज्यादातर जो पेन है हमारे बैक लेग में होता है, काफ में होता है, यहाँ पे होता है, हैमस्ट्रिंग में होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ये जो पेन है अवॉइड करने के लिए हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं, ध्यान रखिए हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो इसमें सुधार लाना है। तो इसमें क्या करना होता है हमें कि हमें नीज को थोड़ा सा बेंड करना होता है। आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने स्लाइटली बेंड किया है, कमर पे हाथ है, एक्सेल करते हुए नीचे गए और यहाँ पे गए। देन विद प्रैक्टिस क्या करना है, अगर आप कंफर्टेबल तो पाम्स को नीचे रखना है और धीरे धीरे कोशिश करनी है कि आपके लेग जो है स्ट्रेट हो जाए और यहां पे इन्हें आराम से वापिस आना है, ठीक है। तो अपने बॉडी को जो है आदत नहीं लगने देनी है आराम की, धीरे धीरे से कोशिश करनी है कि हम बेसिक से एडवांस तक जाए। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा नी को बेंड करके रखना है ताकि हमारा जो एब्डोमन मसल है या फिर एब्डोमन जो है अपने थाइस पे जो है रेस्ट कर सके स्टार्टिंग में, ताकि हमें ज्यादा पेन ना हो, ताकि हम बीच में ही क्यूट ना कर सके, क्विट नहीं कर सके या फिर छोड़े नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमने देखा कि नीज का किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं।
ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड बेंड होने के लिए। तो दोस्तों जो तीसरा पॉइंट आता है वो है अपने बैक का। तो आप कहोगे कि इस फॉरवर्ड बेंडिंग में हमें बैक का कैसे, तो दोस्तों आइए जानते हैं। तो बैक में क्या होता है कि ज्यादातर जैसे मैं देखता हूँ कि जैसे मैं क्लास वगैरह कंडक्ट करता हूँ तो मैं बहुत बार देखता हूँ कि मेंबर जो है इस तरीके से हाथ ऊपर करते हैं और यहीं से हमें यहीं से वो बेंड हो जाते हैं इस तरीके से। तो ये जो है सरासर गलत है। तो इसमें क्या करना होता है कि हमें जब हम फॉरवर्ड बेंड होते हैं तो हमें अपर बैक से होना नहीं है, इस तरीके से होना नहीं है फॉरवर्ड बेंड, हमें होना है लो बैक से फॉरवर्ड बेंड होना है। या फिर हमें, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको कि जैसे हमने हाथ रखे कमर पे, सांस भरी और धीरे से इस तरीके से यहां पे धीरे से हमारे जो चिन है आगे रखनी है, फेस आगे रखना है, धीरे 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 नीचे जाना है और हमारी जो चिन है शिन की तरफ या फिर शिन बोन की तरफ लाने की कोशिश करनी है। इस तरीके से जो है हम अपने बॉडी को, हम अपने आप को जो है आदत लगा सकते हैं कि हमें फॉरवर्ड बेंड किस तरीके से होना है। तो दोस्तों जब ये सारी चीजें होती रहती है तब तो योगा क्लास में, हम योग क्लास में जब ये सारी चीजें करते हैं तो हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते। तो लेकिन ये ध्यान देना है, खुद से भी ध्यान देना है कि हम किस तरीके से फॉरवर्ड बेंड हो रहे हैं, अपर बैक से या फिर लोअर बैक से। तो ज्यादा से ज्यादा हमें फॉरवर्ड बेंड जो है लोअर बैक पे ध्यान देना है, वहीं से हमें फॉरवर्ड बेंड जो है वहीं से होना है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे जाके देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बहुत जनों को शोल्डर का पेन होता है तो उसकी वजह से वो पाम नीचे नहीं रख सकते। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं हम, शोल्डर जो हिप है हमारा, हिप पे हम हाथ रख सकते हैं, वहीं से फॉरवर्ड बेंड होके हमें ये जो आसन है कर सकते हैं। देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप जो आसन है तो दोस्तों इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट्स देखे जो महत्वपूर्ण है फॉरवर्ड बेंडिंग में। पादहस्तासन के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है अगर आप फॉलो करते हो, अच्छी तरीके से फॉलो करते हो, रेगुलर ध्यान देते हो अपने आप पे, तो आपका पादहस्तासन जो है जो हमने दिखाया था यहां से यहां तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम आज रुक जाते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों धन्यवाद।